हेलो फ्रेंड्स एंड दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इलेवेंथ क्लास एन सी आर टी एंड द क्वेश्चन इज इफ जेड माइनस वन ओवर जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी नंबर जेड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड तो हमें मॉड ऑफ जेड की वैल्यू पता करनी है तो so, चलिए शू करते हैं uh, कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर uh, कर सकते हैं सो आई एम टेलिंग द फर्स्ट मैथड जो इसमें काम कर, कर जाएगा देखिए आपको यह दिया है कि जेड माइनस वन ओवर जेड प्लस वन ये जो नंबर है ये एक प्योरली इमेजनरी नंबर है ठीक है अगर ये प्योरली इमेजनरी नंबर है तो ऑब्वियस बात है इसका रियल पार्ट ऑब्वियसियलो होगा यानी कि मैं लिख सकता हूं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो फाइन क्योंकि द नंबर इज प्योरली इमेजनरी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे z को मैंने क्या लेट किया है z को अपन प्लस आयोटा वाई लेट कर लेते हैं z को अगर मैं x लेट करता हूं, तो मुझे सबसे पहले इस को करना चाहिए तो मुझे क्या करना है मुझे इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करना है ठीक अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कैलकुलेट करता हूँ तो इसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये बनेगा एक्स माइनस वन प्लस के आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस मैंने यहाँ पे ये किया है और अपन इसे रेश भी करेंगे तो x प्लस वन माइनस आयोटा वाई का डिनोमेटर और इसी का ही न्यूमिरेटर में भी अपने को मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे ये थोड़ा a प्लस आयोटा बी मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसमें कन्वर्ट हो पाए चलिए आगे बात करते हैं देखिए न्यूमनेटर में मुल, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वन को, प्लस वन से आप करेंगे, तो ये माइनस वन, वन के ठीक प्लस के आयोटा वाई आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस वन के एक टर्म आ गया और, और फिर हम लोग बात करेंगे तो प्लस ये आयोटा वाई को आयोटा वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के आयोटा वाई से तो ये बनेगा आयोटा इंटू आयोटा माइनस uh, वन होता है माइनस माइनस प्लस हो गया विल बिकम एक्चुअली प्लस के स्क्वायर ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर और डूमेटर की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के तो ये फाइनली एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया है ठीक है अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं वैसे जरूरत नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं प्लस वन का होल प्लस के वाई के। अब फिर से आप याद करिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजनरी है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी नंबर है यानी कि इसका रियल पार्ट जीरो होगा और अगर मैं रियल पार्ट निकालता हूं तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के और ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए मतलब ये जो इसका रियल पार्ट है ये डिवाइडेड बाई ये क्योंकि पहले आप इसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो जब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ए को उठा के जीरो करना है और अगर आप ए की वैल्यू निकालते हैं तो वो यही है एक्स के वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के ठीक तो हमने इसके रियल पार्ट को उठा के जीरो कर दिया और जैसे आप रियल पार्ट को उठा के जीरो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिला है एक्स स्क्वाई स्क्र माइनस वन एंड इज इक्वल टू के ठीक है तो मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ हाँ अब आप यहां देखिए ये जो कंडीशन है इसको उठा के आपने जीरो डाला है और जैसे आप इसे उठा के जीरो डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा या फिर आप लिख सकते हैं मोड ऑफ जेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड विच इम्प्लाइज दैट उट तो करना था मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी ये पहला तरीका था नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर मैथडर एक और मैथड में यहाँ पे आपके शेयर ये थोड़ा सा हायर हो जाता है मतलब इसमें Uh, हम लोग uh, थोड़ा जेड को ही इन्वॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ठीक है तो आप देखिए क्या दिया है आपको दिया है कि जेड माइनस वन ओवर जेड प्लस वन इज प्योरली प्योरली इमेजनरी इमेजिनरी नंबर ये एक प्योरली इमेजनरी नंबर है ठीक अगर ये नंबर प्योरली इमेजनरी है तो आप लिख सकते हैं कि जेड माइनस वन ओवर जेड प्लस वन बराबर होगा

क्योंकि ये माइनस वन एक प्योरली रियल नंबर है तो इसका कॉन्चुगेट हमेशा माइनस वन ही रहेगा मतलब जो नंबर है वही उसका कॉन्चुगेट भी होता है और डिवाइडेड बाई z का प्लस वन हो गया ठीक चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा z माइनस वन ये लेफ्ट में z माइनस वन है ये z का कॉन्चगेट प्लस वन है और यहां पे मैं लिख सकता हूं वन प्लस जेड ये डोनोमीटर वाला ये यूज किया है वन प्लस जेड और यहां पे ये बन गया वन माइनस जेड के कॉन्चुगेट के ठीक

आई होप सो कि आपको ये दोनों मेथड पसंद आए होंगे ठीक है थैंक यू